अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई एम मिस ज़ारा फ्रॉम अज़ीज़ बेगम मेमोरियल स्कूल। टेक आउट पेज नंबर 100, पीटर रैबिट। इन प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू द चैप्टर पीटर रैबिट। मैंने आपको बताया था कि पीटर रैबिट के बारे में कि एक जो है वो रैबिट्स थे, फोर रैबिट्स थे, ठीक है। वो जो है वो एक दिन इनकी मदर जो है वो उनसे कहती है कि मैं जो वो बाहर जा रही हूँ ब्रेड्स लेने, आप लोग जो है वो आप सब जो है वो आप कहीं भी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन आप जो वो तंग रास्तों में भी जा सकते हैं, आप फार्म्स में भी जा सकते हैं, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में आप नहीं जाएंगे। उसमें से जो है वो पीटर रैबिट, वो एक नॉटी रैबिट था, वो जो है वो अपने मामा की बात नहीं मानता है। वो जो वो मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में चला जाता है, वहाँ पर वो लेटस, फ्रेंच बीन्स, रेडिश वो सब जो है वो खाने लगता है। फिर अचानक से मिस्टर मैकग्रेगर इसका जो है वो पीछा करते हैं। नाउ टेक आउट पेज नंबर 102। आफ्टर लूजिंग देम ही रैन ऑन फोर लेग्स एंड वेंट फास्टर। अनफॉर्चुनेटली ही रैन इंटू अ गूसबेरी नेट एंड गॉट कॉट बाय द लार्ज बटन्स ऑन हिज ब्लू जैकेट। तेज़ भागने के बाद वो अपने चारों पैरों से जो है वो तेज़ भाग रहा था, बदकिस्मती से वो गूसबेरी नेट में जा टकराया और इसके बटन्स इसके ब्लू जैकेट में फंस गए। मिस्टर मैकग्रेगर केम अप विद अ सिफ, ही ट्राइड हार्ड टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ पीटर, बट पीटर ब्रिगल्ड ऑन जस्ट इन टाइम, ही लेफ्ट हिज जैकेट बिहाइंड हिम। मिस्टर मैकग्रेगर एक छली लेकर आए और उन्होंने पीटर के ऊपर डालने की कोशिश की, मगर पीटर एंड वक्त पर वहाँ से निकल गया और वो अपनी जैकेट पीछे छोड़ गया। पीटर रश इंटू द टूल शेड एंड जम्प्ड इंटू अ कैन। इट वुड हैव बीन अ ब्यूटिफुल थिंग टू हाइड इन, बट इट वॉज फुल ऑफ वाटर। पीटर तेज़ी से शेड की तरफ बढ़ गया और एक डब्बे में जंप किया। ये हाइड करने के लिए जो कैन था वह हाइड करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन वो पानी से भरी हुई थी। ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना कैन। पीटर रैबिट इसके अंदर जो है वो छुपने के लिए चला जाता है। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर डैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड। वॉज ही हाइडिंग अंडरनीथ अ फ्लावर पॉट? ही बिगिन टू टर्न देम ओवर वन बाय वन। आई एम गोइंग टू फाइंड यू एंड टीच यू अ लेसन, ही कॉल्ड अप। अब जो है वो मिस्टर मैकग्रेगर जो है वो उसे जो है वो श्योर होता है, उसे यकीन होता है कि जो पीटर है वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। क्या वो किसी फ्लावर पॉट में छुपा हुआ है? उसने एक एक पॉट को जो है वो उलट करना शुरू कर दिया और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें जो है वो एक बहुत सबक जो है वो सिखाऊंगा। जस्ट देन पीटर स्नीज्ड कटिशू। अचानक से जो है वो पीटर को जो है वो छींक आ जाती है, कटिशू जो है वो छींक की आवाज़ निकालता है। मिस्टर मैकग्रेगर चेस्ड पीटर, बट जस्ट इन अ टाइम पीटर जंप आउट ऑफ अ विंडो। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रेगर एंड ही वेंट बैक टू हिज वर्क। फिर जो है वो अचानक से मिस्टर मैकग्रेगर जो है वो पीटर के नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन फिर पीटर जो है वो फ़ौरन से जंप करके विंडो के बाहर चले जाते हैं। और विंडो जो है बहुत ज़्यादा छोटी होती है, मिस्टर मैकग्रेगर इस विंडो के बाहर नहीं जा सकते थे। और फिर वो चूँकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे पीटर को पकड़ते हुए, तो उन्होंने क्या किया, फिर वो अपने जो है वो काम में चले जाते हैं दोबारा। पीटर रैन एंड रैन टिल ही गॉट होम। ही डिड नॉट स्टॉप, ही डिड नॉट लुक बैक। व्हेन ही गॉट होम ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फ्लॉप डाउन अपॉन द नाइस सॉफ्ट सैंड ऑन द फ्लोर। ही वॉज सेफ इन द रैबिट होल। अब पीटर जो है बहुत तेज़ी से भागता है और भागते भागते वो जो है अपने घर पे पहुंच जाता है। वो जो है वो दोबारा पीछे नहीं देखता है और वो बहुत ज़्यादा जो वो थक गया था, वो थकते हुए जो है वो मिट्टी की ज़मीन पे लेट जाता है।
लेकिन वो अब चूंकि वो जो है वो अपने रैबिट के अपने घर के अंदर आ गया था, तो उसे लग रहा था कि बहुत अब जो है वो सेफ साइड पे वो पहुंच चुका है। पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग। हिज मदर पुट हिम टू बेड एंड गेव हिम अ डोज ऑफ कैमेनॉइल टी। अब जो है वो पीटर जो है वो उस वक्त जो है वो शाम के वक्त इसकी मामा जो है पीटर को जो है वो बेड पे लिटाती है और उसे जो है वो कैमेनॉइल टी के जो है वो कुछ जो है वो डोज देती हैं। फ्लॉपसी मॉपसी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सुपर, दे हैड बीन गुड रैबिट्स। अब फ्लॉपसी मॉपसी और कॉटन टेल जो है उनके पास जो है वो खाने के लिए ब्रेड मिल्क और ब्लैकबेरीज होती हैं। वो जो है वो अपना ये खाना खाते हैं, लेकिन जो पीटर रैबिट जो है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो इनमें से कुछ भी नहीं खाते हैं। और फ्लॉपसी मॉपसी और कॉटन टेल एक बहुत अच्छे रैबिट थे। सो क्लास आई होप कि आपको जो है वो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें अपनी मदर अपने फादर की जो है वो बात माननी चाहिए। सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल रीड पेज नंबर 100 टिल पेज नंबर 103 और देन इसके बाद आफ्टर रीडिंग यू विल डू येस व्हाट विल यू विल डू यू विल मेक अ टाइटल पेज एंड आफ्टर मेकिंग टाइटल पेज यू विल डू वन पेज राइटिंग ऑफ द चैप्टर पीटर रैबिट। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर एक्टिविटीज। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।